कि हमने ना इस ना लाल मुर्गी को बिठा दिया जी अंडों पर, चेक करें। पहले हमारी सफेद मुर्गी दोस्तों बैठी हुई थी, फिर हमने उसको उठा के तो इसको दोबारा बिठा दिया जी लाल को, क्योंकि उस जगह पे दोस्तों पिछले दिनों में बारिश हुई थी तो वो जो अंडे थे ना हमारे सभी गीले हो गए थे। फिर हमें दोबारा उठा के उसको वो नीचे वाली जो पराली थी टूड़ी थी वो हमें साफ करनी पड़ी। वो देख रहे हैं जी बाहर हमने फेंक दी थी, अंदर दोबारा डाली थी, लेकिन फिर बारिशों का मौसम बना हुआ है दोस्तों, बारिश का पता ही नहीं चलता कब किस वक्त आ जाए। तो हमारा इरादा बना कि हम ना इस फीमेल को ही उठा के वो लाल मुर्गी बड़ी को बिठा दिए। चलें इसके साथ एक और ब्लीड अल्लाह खैर करेगा शामू के साथ ले लेंगे जी इसकी। देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी आपको हम अपने चूज़ों का शो करवाते हैं जी, जो हमारे शामों के कुछ पट्टे हैं और कुछ हमारे पीले जो काना मुर्गा था हमारा उसके हैं, मिक्सिंग हैं जी चूज़े, तो वो दोस्तों को शेयर करते हैं जी दोस्तों के साथ। आज इनको काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों बाहर निकाला, घूम रहे हैं जी अपनी जगह पर। बड़ा जो हमारा चांदी वाला मुर्गा काना है वो भी इधर आया हुआ है जी दूसरी छत पे, वहाँ पे वो भी दोस्तों घूम रहे हैं, तो आए आपको शौक करवाते हैं जी। ये देखिए चूज़ों को इधर ही छोड़ के का इरादा था असल में इनके पास जाने का। ये हमने इधर पराली वगैरह और मट्टी फेंकी हुई है, मुर्गे हमारे खुश रहते हैं जगह पे घूमते हुए, इस वजह से यहाँ पे ना इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि इनको खुशी मिले इधर। ये इधर फ्रेश रहते हैं दोस्तों, आते हैं कुछ देर पाँव से कभी इधर कभी उधर फेंकते हैं मिट्टी को और खुश हो जाते हैं, उस वजह से ना ये इस तरह की इधर जगह बनाई हुई है इनके लिए स्पेशली मुर्गों को अपने के लिए। चीना में माशाल्लाह पट्टा काफ़ी हेल्दी और अच्छा हो गया है जी, पिछले दिनों में तो इसको जूए बन गई थी परों के नीचे, लेकिन अभी वो हमने तेल वगैरह लगाया जी। और दोस्तों को पता है वो चीनी मादी हमारी बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी, माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक हो गई है। असल में वो परों के नीचे दोस्तों जूए बन जाती हैं ना, वो खून सारा चूस जाती हैं। ये जी हैं हमारे चूजे घूम रहे हैं, देख रहे हैं जी, माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हैं और हेल्दी हैं। अभी इनको बाहर बहुत कम निकालते हैं, असल में टाइम नहीं ना दोस्तों मिलता, नहीं तो छत पे बंदा इनको निकाले रखे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा और बड़े हो जाना था, लेकिन हमें तो टाइम की प्रॉब्लम बनी हुई है, छत पे निकाल के भी नहीं जाते कि कोई कवा वगैरह ना उठा ले। पहले भी हमारे चूजे आपको पता है वो जो पीली मुर्गी थी उसके सारे चूजे दो उनमें से बचे थे वो इसके साथ छोड़ दिए थे, और पहले वाले जो चूजे थे दोस्तों आपको पता है कि वो बस सारे ही हमसे वो ज़ाया हो गए, सिर्फ वो हमारी अपनी नहली जी वजह से वो जो उनको जुए बन गई थी परों के नीचे। आज मिट्टी हमने ये दोस्तों साफ कर देनी है जी, बाहर निकाल देनी है इस खुद्दे वाली। दोनों को निकाला हुआ था, दो फीमेल हमारी बाहर कबूतरियाँ दोस्तों निकली हुई हैं, ये लगके घूम रहे हैं जी, कुछ ये ऊपर दोस्तों बैठे हुए हैं, और ये जो जोड़ा हम नया लाए हैं ये चीनी फीमेल है और बाकी वो सफेद जो जिसके दुम में पत्ते तीन चार काले हैं वो मेल है। इंशाल्लाह ये अभी तो तीन दिन पार के पट्टे, जब 10 पर साफ होंगे फिर इंशाल्लाह ब्लीड ये भी करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये एक एक दो दो पार के पट्टे हैं दोस्तों।
माशाल्लाह से हमारे दोस्तों स्टेलियन के वो जो पट्ठे हैं ना वो अभी सभी उड़ के ऊपर चले गए हैं, बस तीन रह गए हैं जी नीचे, वो सामने बैठे हुए हैं, बाकी सभी ऊपर आ गए हैं जी। हमारी स्टेलियन ने दोस्तों अंडे भी सभी ने दोबारा ब्लीड इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया है जी। इंशाल्लाह इन्होंने दोबारा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ब्लीड की है जी, तो अंडे भी सभी ने दोबारा दे दिए। बच्चे क्योंकि हमने बाहर निकाले तो उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि इन्होंने दोबारा अंडे और बच्चे दोबारा दोस्तों निकाल लिए, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इस गर्मियों में हमारा इरादा है कि एक और सेटअप इधर बना दें। दिल तो हमारा दोस्तों बहुत ज़्यादा है कि इधर बिना इस तरह का सेटअप हम बना दें जी, कुछ इधर स्ट्रेलियन को छोड़ा हुआ इधर लव बर्ड के जोड़े को छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम ना ये सेटअप ज़रूर बनाएं लव बर्ड के लिए, फिर हमारा शुगल मेला काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा इरादा है कि जो है ना सबस तोते उनके दो चार जोड़े छोड़ दें, माशाल्लाह से वो भी बहुत बेनिफिट देंगे हमें यहाँ पे अगर उनको छोड़ा ना। मोर को उधर बड़े बड़ा जो हमारा सेटअप है ना उसमें छोड़ देंगे, इधर से निकाल लेंगे, नहीं तो नीचे हमारा सेन है ना जो उधर बरामदा हमारा बहुत बड़ा है तो वहाँ पे इंशाल्लाह इसको छोड़ देंगे जी। वहाँ पे ये आगे जाली लगा देंगे, इसके साथ इसको फीमेल इसके साथ छोड़ देंगे, उसके साथ ये घूमता रहेगा नीचे। कोशिश हमारी है दोस्तों, पर आप दोस्त हमें साथ नहीं देते, वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, बस वो वॉच टाइम का हमारा इशू बना हुआ है। अगर आप दोस्त हमारी थोड़ी सी वीडियो मुकम्मल देख लिया करें तो वॉच टाइम हमारा अगर पूरा हो जाए तो आमदन आने लग पड़ती, तो इंशाल्लाह हमने बहुत बड़ा सेटअप बनाना था, बस वो हमारा सच्ची बात बताएं तो दिल टूट जाता है जब वीडियो को नहीं ना देखता, तो फिर इसलिए दिल नहीं करता दोबारा वीडियो बनाने के लिए। तो कोशिश किए करें दोस्तों मुकम्मल वीडियो देखा करें, वॉच टाइम का जो हमारा इशू है वो मुकम्मल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह दोस्तों को और भी चीज़ों का शौक करवाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हम अपने लिए यहाँ पे दोस्तों और अपनों के लिए खुद के लिए चीज़ें ज़्यादा लाएंगे, दोस्त भी हमें अरे देखेंगे और ख़ुद भी हम देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे करेंगे वीडियो देखकर, और हम भी खुश हो जाएगा करेंगे। तो कोशिश किए करें दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखा करें। तो इसी के साथ दोस्तों ये छोटी सी हमने वीडियो बनाई थी, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है जी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी।